सभी शिक्षार्थियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सब जानते हैं कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा का इतना विस्तार है, इसके इतने पक्ष हैं कि प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक क्षेत्र में इसमें अपनी अपनी जटिलताएं और विषमताएं हैं, जिनको दूर करने का प्रयास समय समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जाता रहा है। वह चाहे DPEP जैसी योजना हो या सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजना हो या 2009 में आए हमारे शिक्षा का अधिकार कानून की बात हो। हम सब जानते हैं कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा बहुत लंबे समय से एक चिंता का विषय रही है। इस पर सतत प्रयास होते रहे हैं। हमने बहुत सारे अविश्वसनीय लक्ष्यों को प्राप्त किया है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। भारत में प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा का अधिकार बनी, देश के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंची, यह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, यह शिक्षा प्रभावी हो, यह शिक्षा उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाए, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार समय समय पर बहुत सी योजनाएं चलाती रहती है। कुछ योजनाएं भारत सरकार स्वयं चलाती है, कुछ योजनाओं के लिए हमें हमारे देश की सरकार को बहुत सारी विदेशी संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अनुदान देती हैं। आज की इस परिचर्चा में हम उन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करेंगे जो भारत में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन हेतु प्रयत्नशील रही हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर पंकज कुमार। डॉक्टर पंकज कुमार जी देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में सहायक आचार्य हैं। पंकज कुमार जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं और भारत में इन संस्थाओं की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई या इन संस्थाओं से अनुदान लेने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई? हम तो जानते हैं कि हमारा देश एक विकासशील देश है और एक विकासशील देश के पास बहुत सारी साथ की समस्याएं होती हैं जो एक साथ बहुत सारी होती हैं। कोई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, कहीं एजुकेशन में चुनौतियां होती हैं। उन सारे चुनौतियों से एक साथ निपटना मुश्किल है और एक चुनौती भरा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में जो चुनौतियां उभर कर आईं वह बहुत व्यापक थी और कहीं ना कहीं धन की कमी तो थी और साथ ही साथ अच्छे शिक्षकों की कमी थी, विद्यालय भवन की कमी थी। ये शिक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में थी और 1990 में जॉमटीन में सभी के लिए शिक्षा का जो सम्मेलन हुआ, भाई वहाँ पे एक यूई का एक आवाज़ बुलंद, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, उस समय से एक मुहिम सी चलने लगी। अच्छा। कि हाँ, ये अब प्रारंभिक शिक्षा सबके लिए सुलभ हो, ये व्यवस्था में पूरा विश्व होने लगा। इस चीज़ को और प्रगाढ़ रूप में डकार सम्मेलन में उठाया गया और वहाँ से एक मिशन के रूप में सभी देश में एक मिशन के रूप में लोग लागू भी करने लगे जी। तो हमारे देश में भी ये मिशन के रूप में आया, लेकिन सरकार केवल अपने से ही सब कुछ कर ले या नहीं हो सकता। सभी जो सिविल सोसाइटी हैं या दूसरी संस्थाएं हैं उनकी भागीदारी होती है। तो जैसा आपने बताया कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यहाँ पर योगदान दिया है, शिक्षा बेहतर हो सके, सभी के लिए शिक्षा सुलभ हो सके, इसके लिए बहुत सारे संस्थाओं ने यहाँ पर काम भी किया है। भारत में बहुत सारे अगर संस्थाओं को हम देखें तो उसमें देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक यहाँ पर काफ़ी प्रभावी रही, बहुत सारी योजनाओं में उन्होंने सहयोग किया भारत में। एशियाई विकास बैंक जो होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनका योगदान रहा है जी। USAID की भूमिका भी रही। हाँ, USAID की बहुत लंबी भूमिका रही और DFID है जी, उसकी भूमिका रही। NORAD है, उसकी भूमिका रही। फिर SIDA कर सीडा है, उसकी भूमिका भी रही। स्वीडन की संस्था जी, हाँ, स्वीडिश संस्था है जी। और राजस्थान में उसने खासतौर पर बहुत काम किया, जो उनकी लोक जुम्बिस परियोजना थी उसमें काफी बड़ा योगदान जी दिया जी। तो ये बहुत सारी परियोजनाएं इस तरह से, यूनिसेफ भी आई, UNDP के प्रोजेक्ट रहे और यूनेस्को ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया जी। तो इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं
रही जो शिक्षा में के लिए यूनिवर्सलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश हो उसके लिए काम किया, और इंडिया में विशेष रूप से हमें सहायता उन्होंने दी। पंकज जी, अभी जब आप बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात कर रहे थे, तब आपने ये भी बात की कि इसमें कुछ ऐसी संस्थाएं थीं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से सीधे जुड़ी थीं। जी हाँ, कुछ संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रेरणा से यहाँ काम करने आई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी ऐसी कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत में शिक्षा के सार्वभौमीकरण और सभी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है? बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र का की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है जिसे यूनेस्को कहते हैं, यह यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी, विशेषकर ये शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है, और ये पीस एजुकेशन पर भी इसका प्रमुख फोकस रहा है, एजुकेशन फॉर पीस। ये इस संस्था का महत्वपूर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है यूईई के संदर्भ में, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में, क्योंकि जॉमटीन में जो आयोजन हुए या डकार में जो आयोजन हुए या इंचियन का जो आयोजन था, इन तीनों आयोजनों को मुख्य रूप से यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज, सबसे प्रमुख संस्था थी, बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर किया लेकिन वो प्रमुख संस्था थी। तो इसलिए इसकी भूमिका तो सबसे प्रमुख हो जाती है जब हम जब भी सभी के लिए शिक्षा की बात करते हैं। जी, यह संस्था नवंबर 1945 में आई, और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, और यह एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करती है। जी, यानी सरकारों के मध्य काम करती है कि सरकारों के साथ इनका कार्य करने विभिन्न देशों की सरकारों के जी हाँ, विभिन्न देशों के सरकारों, यहाँ राज्य से तात्पर्य नहीं जी, है जी। बहुत अच्छा आपने यहाँ रखा। तो ये विभिन्न देशों की सरकारों के साथ काम करती है, और मानव संसाधन के क्षेत्र में एक बेहतर मानव संसाधन विकसित हो सके इस क्षेत्र में कार्य करती है। जी, तो इसने बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी बनाया। अच्छा। जैसे अगर आप इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इन्होंने तीन बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज विकसित भी किए। जी, ये दस्तावेज क्योंकि ये इनके दस्तावेज उस देश के लिए सभी के शिक्षा की कार्य योजना बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रहे। जी, जी, तो उनका एक पहला जो एक तरह से योजना के लिए उन्होंने मार्गदर्शक दस्तावेजों का कार्य किया। बिल्कुल, यही उनके जो गाइडलाइंस होते थे वो देश के लिए होते थे कि देश उस पर कैसे कार्य करे और आगे बढ़े, सभी के लिए शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो पहला इनका था कि उन्होंने क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्रवाई की जाए, कैसे जुड़ाव हो, कैसे लिंकेज स्टैब्लिश हो, इसके लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया था, और उसको तर्कसंगत कैसे बनाया जा सकता है, एक अरेंजमेंट भी उन्होंने बताया। तो उसका नाम ही था प्लान ऑफ एक्शन। तो इस प्लान ऑफ एक्शन में उन्होंने जो रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल रूप में कैसे हम जुड़ सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कार्य योजना बनाई यूईई के लिए। दूसरा एक और महत्वपूर्ण उन्होंने गाइडलाइन दी, वह एक किसी भी देश के लिए जो राष्ट्रीय एक्शन प्लान कैसे बने, नेशनल एक्शन प्लान कार्य योजना। जी हाँ, इन्होंने उसका नाम भी दिया गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान्स फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये दिशा निर्देश सभी अपने अपने देश में जी, किस प्रकार एक राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित कर सके, इसकी ओर केंद्रित था। जी जी, एक तीसरा और भी डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया, वह था कि डेवलपमेंट पैरामीटर्स ना, कोऑपरेशन इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। ये मतलब सभी के लिए शिक्षा में समर्थन का विकास हो सके और कैसे सहयोग हो सके, तो इससे संबंधित उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जारी किया। शायद उसमें वो भी था कि उसके लिए विभिन्न देश किस किस तरह की रणनीतियां अपना सकते हैं। बिल्कुल, कैसे तर्क दें, रैशनल दें और रणनीतियां दें, इस पे वो स्ट्रेटजी कैसी, भूमिका क्या हो, इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप यूनेस्को के साथ साथ बात कर रहे थे कि यूनिसेफ भी एक संस्था है जिसने काफी योगदान दिया है प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए। बिल्कुल, यूनिसेफ भी एक बहुत महत्वपूर्ण है और संस्था है, और यूनिसेफ बहुत पॉपुलर भी, मुझे लगता है इंडिया में बहुत जगह कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों के साथ या संस्थानों के साथ या डायरेक्ट काम करती है, तो ये हमें इसके कार्य दिखते भी हैं। क्योंकि यूनेस्को का मुख्य कार्य सरकारों के साथ है, तो एक अंतर सरकार संगठन के रूप में है, जबकि यूनिसेफ
का फील्ड में काम करती, बिल्कुल फील्ड में काम, क्षेत्र में काम करती। तो यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में हुई जी। और एक यूनिसेफ जो है यह इनकी कुछ गतिविधियां जो हैं वह गतिविधियां बिल्कुल एक क्षेत्र बनाकर रखा है उन्होंने। तो उसमें कुछ जो क्षेत्र हैं जो उनके नाम से ही स्पष्ट होता है, अगर यूनिसेफ एक तो एब्रिवेशन है, अगर उसको पूरा करें तो ये होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो यानी बच्चों के लिए ही ये कार्य करती है जी, संस्था। जी, जी। और ये बच्चों के लिए किस क्षेत्र में काम करती है, तो स्वास्थ्य और विकलांगता की रोकथाम के क्षेत्र में काम करती। अच्छा। दूसरा, जागरूकता पैदा करने की काम करती है, किस प्रकार समाज में जागरूकता हो सके, और उस संबंधित सामग्री का उत्पादन भी करती है, जिसे आईसी मटेरियल कहते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन जी। और तो इस तरह की सामग्री का उत्पादन भी करती है, शिक्षकों या सामुदायिक कार्यकर्ता परिवार और जो समाज के अन्य लोग हैं उनका प्रशिक्षण आयोजन करती है जी। और यह किस प्रकार से कोई भी स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो सकती हैं इसके लिए कार्य करती है। अच्छा। यह अभी 150 से भी अधिक देशों में पोषण स्वास्थ्य पेयजल संबंधी कार्यों पर अपनी सेवा दे रही है और सहायता प्रदान कर रही है। पंकज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूनिसेफ शिक्षा की दिशा में, शिक्षा के क्षेत्र में और खासतौर पर भारत में यूनिसेफ का क्या योगदान है? यूनिसेफ ने बहुत सारे कार्य किए हैं, और यूनिसेफ एक जो, जिससे मैंने पहले कहा कि विकलांगता की रोक, हमारा शिक्षा के सार्वभौमिक शिक्षा को अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सभी के लिए शिक्षा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में क्या होता कि हम कुछ एक वर्ग को छोड़ देते थे जी, एक वंचित वर्ग बन जाता है कि जहाँ पर उनकी शिक्षा से वह वंचित रह गए, और ये यूनिसेफ उन समूहों को भी मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम किया। जैसे अगर वो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या विकलांगता को रोकथाम करने के लिए कर रहे हैं, तब उनका स्कूल जाना सुनिश्चित हो जा रहा है। तो ये एक प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह की सहायता यूनिसेफ द्वारा शिक्षा में दी गई है जी। ये बहुत सारे नीतियों के बनाने में सहायता करते रहे, प्रशिक्षणों में सहायता कर रहे हैं, अगर परिवार के अभिभावकों का प्रशिक्षण कर रहे हैं विद्यालय में, तो उनकी विद्यालय में जो प्रदर्शन होगा वह बेहतर होगा। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे काम किए, और वो इनका काम स्थानीय राष्ट्रीय या क्षेत्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इनके योगदान रहा जी। ये तो हो गई उन संस्थाओं की बात जो सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हैं, यूनिसेफ और यूनेस्को के कार्यों की आपने बात की और चर्चा की। मैं ये चाहता हूँ कि और भी बड़ी संस्थाएं जैसे विश्व बैंक है, बिल्कुल, तो विश्व बैंक का भी बड़ा योगदान है भारत पे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में। तो मैं चाहता हूँ कि विश्व बैंक का क्या योगदान है, आप इसको भी जरा स्पष्ट करें। विश्व बैंक तो शुरू से ही, जब बहुत सारे शैक्षिक योजनाओं में भारत की मदद सहायता करता रहा है जी। एक थोड़ा थोड़ा करना होगा कि ये बैंक है और ये जब भी देता है तो एक फंड देता है जी, जिसे पुनः वापस करना होता है। लेकिन चूंकि ये सामाजिक मुद्दों पर सहायता करता है, इसलिए इनके जो ब्याज दर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अच्छा। अब वो ब्याज दर बहुत कम होता है तो ये एक बहुत बड़ी मदद होती है, मदद हो जाती है देश के लिए, कि वो उसे बहुत कम ब्याज पर एक लोन मिल जाता है जी। तो बहुत विभिन्न शैक्षिक जो हमारे देश की योजनाएं रही उनमें वर्ल्ड बैंक की बहुत प्रमुख भूमिका रही। डीपी, जैसे डीपी है, डीपी में शिक्षा अभियान में भी रही भूमिका, प्रारंभ में रही उसमें भूमिका। तो कोई ऐसी योजनाएं आप बता सकते हैं जो वर्तमान में भी विश्व बैंक की मदद से शिक्षा या शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में देश में चल रही है? हाँ बिल्कुल, बिहार में ही चल रहा है अगर आप देखें तो जी, एनहांसिंग टीचर इफेक्टिवनेस, जिसमें अगर जो ये NIOS से प्रशिक्षण चल रहा है, इससे पूर्व जो कुछ प्रशिक्षण थे उन प्रशिक्षण का आयोजन भी विश्व बैंक द्वारा किया जाना था। विश्व बैंक ने शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी काम किया वहाँ पे, क्योंकि उनका मानना था वहाँ पर कि उन्होंने उसको एक बड़ी योजना थी जिसमें वो मान रहे हैं कि अगर शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र अच्छे होंगे तो शिक्षक उन्नत होंगे, अगर शिक्षक उन्नत होंगे तो विद्यालय का इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, तो विद्यालय भी अच्छे से कार्य करेगा अपने आप सुरक्षित। क्योंकि विद्यालय अगर नहीं कार्य कर रहा है सही रूप से, तो कहीं ना कहीं शिक्षक की का उत्तरदायित्व है कि वो विद्यालय को ठीक करे जी। तो
इन सब चीजों को वो विश्व बैंक काफी काम करता है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान रखे हैं। हर जगह, जैसे अगर एक चीज तो एक खास बात होती है कि ये जब कोई परियोजना बनाई जाती है विश्व बैंक की, तो सभी मानकों को पूरा करते हैं। जैसे जो भी समावेशी मानक हैं कि बालिकाओं को उचित अधिकार मिले या विकलांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं हों, इन सभी चीजों की विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि तभी परियोजना को मंजूरी मिलती है। अच्छा। वरना अगर इस तरह की परियोजनाओं को मंजूरी नहीं देते, ये अक्सर जितने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं सभी ऐसा करती हैं। अच्छा, तो आपका कहने का अर्थ ये है कि विश्व बैंक जिन परियोजनाओं की मंजूरी देता है या विश्व बैंक की मदद से जो परियोजनाएं भारत में चल रही हैं, उनमें विश्व बैंक एक बैंक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, वह उन परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराता है जो न्यूनतम ब्याज दर पर होती है, इसलिए कम ब्याज दर पर भारत को एक कर्ज मिल जाता है और फिर वह भारत सरकार उसको धीरे धीरे चुकाती है। जी, ऐसी एक और संस्था है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, और भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे DFID है और तमाम संस्थाएं, तो मैं चाहता हूं ऐसी कुछ और संस्थाओं की भूमिका पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल, DFID को ले लें तो DFID बेसिकली एक मुख्यतः जो यूनाइटेड किंगडम की सरकार है उसकी एक संस्था है, वहां के सरकार की संस्था है जो विकासशील देशों में भारत को भी के साथ साझेदारी करता है, उनके साथ काम करता है, उनको सहायता प्रदान करता है जी। और मुख्यतः इनके जो कार्यक्रम होते हैं वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को ही ये सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एजुकेशन भी कहीं ना कहीं क्या है, एजुकेशन भी एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होता है कि भाई अगर एजुकेशन किसी को मिले तो उस देश को प्रॉपर एजुकेशन हो तो वहाँ गरीबी मिटती है जी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है जी। ये कितने शोधों द्वारा स्थापित हो चुका है कि शिक्षा जीवन स्तर को सुधारती है जी। तो DFID विकासशील देशों के साथ काम करता है और कई जगहों पर ये काम कर 2015 तक जो एक लक्ष्य रखा गया वहाँ डकार में, हम 2015 को भी क्रॉस कर चुके हैं और लेकिन फिर भी एक बड़े स्तर तक सभी के लिए शिक्षा को प्राप्त भी कर लिया गया है और कुछ बचे हुए हैं वो भी हो जाएंगे। तो 2015 तक जो लक्ष्य रखे गए थे तो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भारत के लिए भी DFID ने बहुत सहयोग किया, अलग अलग सरकारों या निकायों के साथ मिलकर समूह बनाकर वो काम करती है जी। जी, DFID आपने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम करती है, अन्य संस्थाओं के साथ भी काम करती है। बिल्कुल, और विश्व बैंक के साथ मिलकर भी उसने काफ़ी काम किए हैं। तो DFID जिन क्षेत्रों में काम करती है उन कुछ क्षेत्रों की आपने चर्चा की, आप इस पर कुछ और प्रकाश डालेंगे कि DFID और क्या क्या करती है? जैसे ये गरीब राज्यों को समर्थन ज़्यादा करती है। अच्छा। इसलिए जब मान लीजिए कि इनके योजनाएं हुए हैं तो जैसे बिहार में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों के लिए उन्होंने काम किए। झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब बच्चे रह रहे हैं, उन गरीब हैं, उनकी मदद की जा सके, पेयजल उनको भी सुलभ हो सके, इन सब पे कार्य होता है। तो यानी मुख्यतः जिस हमारे देश में भी उनका जो फोकस रहा वह जो गरीब राज्य हैं, प्रदेश हैं, उनमें उनके प्रोजेक्ट्स या उनकी मतलब कुछ ऐसे राज्य जो देश की औसत जो विकास दर है उससे पीछे हैं या जिनको हम थोड़ा पीछे पिछड़े राज्य मानते हैं, उन राज्यों में इस संस्था ने काफ़ी DFID ने काफ़ी काम किया। DFID के अलावा और ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में या समाज को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में काम करती हैं? एक संस्था है, आप परिचित भी होंगे उसे, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। जी जी, भारत में इसका बड़ा योगदान, बड़ा योगदान रहा जी। आपने शुरुआत में भी कहा, आपने चर्चा की कि ये स्वीडिश संस्था है और ये यहाँ पे काफी योगदान की, जैसा आपने बताया कि राजस्थान की जो लोक जुम्बिस परियोजना थी उसमें काफी काम किया, काफी शिक्षा कर्मी योजना में भी प्रारंभ में इसने सहायता की। जी 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 जी, तो ये एक संस्था है जो इसने भी बहुत सारा काम किया जी। इसके अलावा एक और संस्थान है, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जी, तो ये भी काम भारत के साथ कर रही है। और ये किस क्षेत्र में काम कर रही है? ये इसकी
क्षेत्र तो सभी संस्थाएं कुछ और भी क्षेत्र होती हैं, केवल शिक्षा में होती। हाँ शिक्षा में शिक्षा एक उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है, या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। तो ये लिंग समानता, गरीबी को कम करने, पर्यावरण संबंधी या मानवाधिकार है या बाल श्रम जैसे मुद्दों पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती है। और पर्यावरण का अनुकूल विकास इनका एक फोकस है कि पर्यावरण बेहतर हो सके, इस पे ये काम करती है। तो इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं। एक और संस्था के विषय में बहुत चर्चा मैंने सुनी है, USAID। जी हाँ जी, USAID भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका क्या योगदान है? देखिए USAID जो एक संस्था है, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। उसमें हम लोग US को एक साथ रखते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र है, और एड एक बोलने में प्रचलन में यूज होता है, USAID। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सरकार की, अपनी सरकार की एजेंसी है जो विदेशों में नागरिक सहायता या सेवा प्रदान करती है। अच्छा। और ये मतलब उसको कार्य करने के लिए अगर कोई भी देश में अमेरिका अपना कोई नागरिक सेवा देता है तो इसी संस्था के द्वारा देता है। अच्छा। तो ये बड़ी संस्था है। और आजकल इसका USAID का शिक्षा के क्षेत्र में कोई उल्लेख नहीं है? जी हाँ, एक इन्होंने पढ़ने को, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने को बेहतर बनाने के लिए वो एक योजना चला रही है, और काफ़ी इसमें बच्चों को पूरे विश्व स्तर पे बच्चों को शामिल कर रहे हैं, और उनका मानते हैं कि किस तरह से हम पढ़ने के स्तर को बेहतर करें। जी, इस क्रम में वो ब्लाइंड बच्चों के लिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं, दिव्यांग बच्चे, जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं उनके भी पढ़ने के लिए वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं कि किस प्रकार वो पढ़ सकें। अच्छा। दृष्टि ना होने के बावजूद भी वो पढ़ सकें, तो उन्होंने काफ़ी कार्य किया है और वो सपोर्ट देने की ओर अग्रसर हुए। जी। इसके अलावा जो उनके ट्रेनिंग पार्ट पे भी वो कार्य करते हैं, प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी, जैसे शिक्षकों का हुआ प्रशिक्षण हो, टीचर्स के प्रशिक्षण हो गए, या अन्य शिक्षा अधिकारियों का जो प्रशिक्षण हो गया, तो उन सभी प्रशिक्षण पर भी वह कार्य करती हैं। अच्छा। अब पंकज जी, आपने बहुत विस्तार से उन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चर्चा की जिनके सहयोग से भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें सतत प्रयत्नशील हैं। सभी के लिए शिक्षा न केवल एक राष्ट्रीय लक्ष्य बल्कि एक वैश्विक लक्ष्य है, इसलिए विश्व के सभी देश और विश्व की सभी संस्थाएं, चाहे वो किसी देश विशेष से जुड़ी संस्था हो या विभिन्न देशों के समूहों से जुड़ी संस्थाएं जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक, इन सब ने इस देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मुझे आशा है कि हमारे शिक्षार्थी जो इस कार्यक्रम को देखेंगे, वे अपने राज्य में यदि कोई ऐसी योजना चल रही है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से चल रही है, जैसा कि आपने बताया बिहार में भी चल रही है और भी कई राज्यों में इस तरह की और योजनाएं चल रही हैं, वे उन योजनाओं की जानकारी इकट्ठी करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। आपने इस विषय पर चर्चा की, इसलिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने।
पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं। क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है।
ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।